सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। अगर आप फेसबुक का पासवर्ड भूल चुके हो और आपको पता नहीं है तो आप पता कैसे कर सकते हो, और भूल चुके हैं तो आप पासवर्ड को चेंज कैसे कर सकते हो, आज की इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मैंने टाइम वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सिखाते हैं कि फेसबुक का पासवर्ड जो है हम कैसे पता कर सकते हैं और भूल चुके हैं तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैंने टाइम वेस्ट को वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, तो सबसे पहले अपने मोबाइल को होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना। होम स्क्रीन के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या ना अपना यहाँ से मेल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको मेल आईडी दिखेगा, आपको यहाँ से मेल का एक ऐप्स जो होता है उस वाले ऐप्स को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे करोगे यहाँ पे कॉर्नर में राइट साइड में दिखेगा आपको आपका लोगो। यहाँ पे आप जिस भी ईमेल आईडी को लॉगिन किया होगा आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा, उस ईमेल आईडी को उस लोगो पर आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। एंड आपको गूगल अकाउंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखेगा गूगल अकाउंट, आपको गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है यहाँ से स्क्रॉल करके आना है। एंड आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे करते हो सबसे नीचे के साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड मैनेजर, तो आपको क्या कहना है पासवर्ड मैनेजर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से नीचे के साइड स्क्रॉल करोगे तो आप देखने को मिलेगा आपका फेसबुक। यहाँ पे आपको फेसबुक वाले ऑप्शन में क्या करना है क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे करोगे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो मेरा फिंगरप्रिंट अभी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर मैं अभी लॉक देता हूँ। सो गाइस, अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, अभी आपको बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं अपना लॉक देता हूँ यहाँ से गाइस, यहाँ से देखते हो मैं अभी अपना लॉक दे दिया मोबाइल का। मोबाइल का लॉक देने के बाद यहाँ पे देखते हो मेरे दो अभी अकाउंट है, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट का जो है यहाँ पे पासवर्ड शो करने लगा। ऊपर की साइड देखते हो मोबाइल नंबर शो करे, नीचे की साइड यहाँ पे पासवर्ड शो करे। कुछ इस तरीके से मैं जैसे ही इस आई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा मुझे अपना पासवर्ड फेसबुक का देखने को मिल जाएगा। ये है गाइस पासवर्ड देखने का तरीका। अगर आप फेसबुक का पासवर्ड जो है भूल चुके तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो, तो सबसे पहले क्या करना है अपने फेसबुक का यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन आप जैसे करोगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको दिखेगा थ्री डॉट, आपको इस थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे नीचे की साइड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, आपको क्या करना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे कर सको फिर से आपको देखने को मिलेगा ऊपर के साइड सेटिंग का ऑप्शन, सिर्फ सेटिंग वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है ये वेरीफाई के नीचे आपको दिखेगा ब्लू ब्लू लिखा हुआ, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल थोड़ा सा करोगे आपको यहाँ दिखेगा फर्स्ट ही ऑप्शन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, आपको क्या करना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक यहाँ से आपको करना है। इस पर आप जैसे करते हो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन, आपको क्या करना है चेंज पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक आप जैसे करते हो आप देखते हो इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, तो आपको क्या करना है फेसबुक वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। फेसबुक वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे करंट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, न्यू पासवर्ड और यहाँ पे सेकंड पासवर्ड। अगर आप करंट पासवर्ड आपको याद है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, अगर आपको चेंज जो है नई पासवर्ड याद है पहले वाला तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जो है बना सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो नीचे साइड लिखा है फॉरगेट योर पासवर्ड, आपको क्या करना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करते हो थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड आपको एक और जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा लास्ट का अंक, जहाँ पे देखते हो मेरा लास्ट का अंक है 14, तो यहाँ पे 14 दिख रहा है, तो आपको कहना है इस 14 वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है टिक लगा देना है। आपके नंबर पे जितने भी लास्ट का अंक होगा यहाँ पे दिखेगा आपको टिक लगा देना है। टिक आप जैसे लगाते हो यहाँ पे देखने को मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक यहाँ से करना है। जैसे क्लिक करते हो आपके जो है फ़ोन के व्हाट्सअप के अंदर एक कोड आएगा 6 डिजिट का, आपको उस वाले कोड को यहाँ से फिल कर देना है। अभी देखते हो कोड आ चुका है, तो अभी मैं आपको कोड फिल करके आपको दिखाता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो आपके WhatsApp के अंदर ये कोड देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से कॉपी कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपको Facebook में आ जाना है और वही कोड जो यहाँ से डाल देना है। कोड डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ से क्लिक आपको करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से आ जाएगा इंटर एंड न्यू पासवर्ड, तो यहाँ से आप न्यू पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकते हो। गाइस बहुत ही आसान तरीका है पासवर्ड देखने का और फेसबुक का पासवर्ड चेंज करने का। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर